बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। काश मैं भी मौलाना साहब की तरह रौबदार होता। जनाब स्पीकर, हमारे सीनियर, हमारे कुलीग परवेज मलक साहब जो हम में नहीं हैं, उनकी याद में ही आज की ये ताज़ियत रेफरेंस है। तो यहाँ पर एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी और एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पर भी काफ़ी अरसे से उनको हम फॉलो करते आ रहे हैं और उनकी जो सियासी स्ट्रगल है वो हम देख रहे थे। जिस संजीदा सियासत का वो मजहर थे, वो एक इंतहाई पोलाइट शख्सियत थे। आजकल की सियासत में भी और हमारे माशरे में भी मेरे ख्याल में इस तरह की शख्सियत आजकल बहुत कम है। और फिर जो कमिटमेंट थी उनकी अपनी नज़रियात के साथ, अपनी पॉलिटिक्स के साथ और हर किस्म के क्राइसिस में अपनी सियासी जमात के साथ कड़ा रहने की उनका जो खासा था, मेरे ख्याल में वो भी आज कल की सियासत में हमें शाज़ो नादिर ही नज़र आता है। तो हमारी हम इज़हार तज़ियत करते हैं हमारी जो कुलीग हैं उनके अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा और उनके साहबजादे अली परवेज़ मलिक साहब के साथ, और दुआ गो हैं कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब करें। साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर खदीर खान साहब को भी मैं उनकी खिदमात को भी खराज अकीदत पेश करेंगे। लेकिन जिस तरह बार बार यहाँ पर बहस हुई कि हमने उनकी ज़िंदगी में उनके साथ क्या 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 किस तरीके का रवैया उनके साथ रवा रखा गया, और फिर जो आखिरी दिन थे उनकी ज़िंदगी में, बल्कि आखिरी तो मैं नहीं कहूँगा, परवेज मुशर्रफ के दौर से लेकर अब तक वो नज़रबंद ही थे। तो मेरे ख्याल में बहसीत कौम ये एक जो यहाँ पर तफसीलन उस पर बहस भी हुई कि ये यही सलूक रखा जाता है जो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इस मुल्क के साथ करते हैं, इस मुल्क के लिए करते हैं। तो मेरे ख्याल में और साथ ही साथ उमर शरीफ साहब जो फ़न की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम थे, और एक ऐसे माहौल में जब फ़न के फरोग के लिए बहसियत रियासत भी कोई इतनी ज़्यादा वो प्रायोरिटी होती नहीं है, और आजकल के इस माहौल में जहाँ पर सब हम हर तरफ तशद्दुद ही देखते हैं और वायलेंस बढ़ रहा है दिन ब दिन, और इस तरह के माहौल में उमर शरीफ साहब की कमी हमें ज़रूर महसूस होगी। तो हम उनके लिए भी दुआगो है, उनके फ़न को हम खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआगो है कि अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस नसीब करें। जी उज़्मा रियाज।